याद करिए, यहां संकट मोचन मंदिर, गुजरात में अक्षरधाम, अयोध्या हमारे आस्था के केंद्रों पर 2005 से 2014 तक लगातार आतंकी हमले हुए। यहां पर आरती कर रहे निर्दोष भक्तों की कायरतापूर्ण हत्या को याद कर आज भी मर्म सिहर जाता है। याद करिए उस समय की सरकार हर हमले के बाद वार्ता के अलावा कुछ नहीं करती थी। साथियों, इन्हीं परिस्थितियों में काशी ने मुझे सिर्फ एमपी नहीं पीएम बनने का आशीर्वाद दिया। मुझे 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास की ताकत दी, आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का साहस दिया। हमने उन्हें बता दिया कि नया भारत सहता और कहता नहीं है, न वो सहता है न वो कहता है, वो आतंक को मुंह तोड़ जवाब देता है। भाइयों और बहनों, आज आप भी देख रहे हैं कि किस तरह हमने आतंक के सरपरस्तों को अलग थलग कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच अब पाकिस्तान के रोने पर ध्यान नहीं देता। जिन्हें वो अपना समझते थे वो अब उन्हें छोड़ चुके हैं। दुनिया ने उनकी फंडिंग, समर्थन सब पर कारगर रोक लगाने में भारत का मजबूत साथ दिया है। इसके अलावा देश के भीतर भी हमने चौतरफा शक्ति बनाए रखी है। हमने मानवतावाद का फर्जी चोला पहनने वाले ऐसे खतरनाक कुछ संगठनों पर भी लगाम कसी जो आतंकी फसल के लिए खाद पानी का इंतजाम करते थे। सरकार के ऐसे ही प्रयासों का ही नतीजा है कि बीते 5 वर्षों में भारत में किसी शहर, किसी पवित्र स्थान या मंदिर पर
कोई आतंकी हमला नहीं हो सका। इतना बड़ा कुंभ का मेला सुख शांति के साथ देश ने अनुभव किया। आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर के बहुत थोड़े से दायरे में सिमट कर रह गया। और मैं आपको इतना भी बता दूं, पुलवामा में उन्होंने हमारे 40 जवानों को शहीद किया था। इस हमले के बाद उसी क्षेत्र में अब तक, हो सकता है मेरे बोलते समय आंकड़ा बढ़ भी जाए, अब तक 42 आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। ये हमारा काम करने का तरीका है।